आज हम क्लास नाइन्थ का लाइंस एंड एंगल चैप्टर करेंगे स्टार्ट। तो पहले मैं उसकी इंट्रोडक्शन करवाऊंगा, फिर मैं उसकी एक्सरसाइज बताऊंगा और एग्जांपल्स बताऊंगा। तो पहले इंट्रोडक्शन करते हैं हम 6.1 की, ठीक है। एक्सरसाइज 6.1 की इंट्रोडक्शन वीडियो बता रहा हूं मैं। तो सबसे स्टार्टिंग में मेरे को आप बस ये बताइए कि इसमें से लाइन कौन सी है और लाइन सेगमेंट कौन सी है, ठीक है। तो इन दोनों में से लाइन और लाइन सेगमेंट कौन सी है? ये वाली है लाइन और ये है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होती है? सेगमेंट वर्ड का मतलब क्या होता है कि किसी लाइन का एक पर्टिकुलर कोई हिस्सा। जैसे मान लो मैंने कोई एक लाइन ये बनाई, उसका मैंने ये वाला और ये वाला तोड़ दिया, इसको निकाल दिया और यहां रख दिया, तो ये मेरी लाइन सेगमेंट बन गई। इनमें क्या डिफरेंस होता है लाइन और लाइन सेगमेंट में? लाइन सेगमेंट की आपको शुरुआत भी पता है, स्टार्टिंग पॉइंट भी पता है और एंड पॉइंट भी पता है, पर लाइन की ना ही आपको शुरुआत पता होती है यानी स्टार्टिंग पॉइंट, और एंड पॉइंट कहां होती है वो भी नहीं पता होता, ठीक है। ऐसे ही रे क्या होता है? रे की सिर्फ शुरुआत पता होती है यानी स्टार्टिंग पॉइंट तो पता होती है रे की, पर एंड पॉइंट हमें नहीं पता। ये एरो पे दिखा रहा है कि हमें नहीं पता कि कहां एंड होगी, ठीक है। और रे के बहुत सारे एग्जांपल है हम नॉर्मल लाइफ में डेली देखते हैं, जैसे कि सन, ट्यूबलाइट, बल्ब, वो क्या करती है? उनकी शुरुआत तो होती है, उनका सोर्स तो होता है, पर एंड नहीं पता होता, ठीक है। तो रे क्या होती है? एक एग्जांपल भी लेते हैं जैसे कि टॉर्च, सन, इनकी स्टार्टिंग पॉइंट होती है, एंड पॉइंट होती है। अब हम करते हैं एंगल्स, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है? सिक्स चैप्टर का नाम है लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस के बारे में तो इतना ही है, पर एंगल के बारे में जानते हैं। एंगल कैसे बनता है, कब बनता है? मान लीजिए आपके पास दो लाइन है ऐसे, ठीक है, उनका सेम वर्टेक्स है, वर्टेक्स क्या है? सेम है। तो अगर एक लाइन से दूसरी लाइन थोड़ा सा भी दूर जा रही है तो यहां से यहां तक की दूरी को क्या कहते हैं? एंगल। क्या कहेंगे हम उसे? एंगल। यहां से यहां तक की दूरी को हम क्या कहेंगे? एंगल, ठीक है। एंगल बहुत सारे टाइप की होती है। एक होती है एक्यूट एंगल, एक्यूट नाम से पता चल रहा है, एक्यूट यानी एक्यूट सा एंगल यानी छोटा सा एंगल, जो कि 90 से कम का होता है। किससे कम का होता है? 90 से कम का, और 0 डिग्री से बड़ा, 0 से बड़ा 90 से छोटा, ठीक है। जैसे 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री, 89 डिग्री, पर 90 नहीं होगा, ठीक है। तो एक्यूट एंगल। अब आते हैं ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज नाम से ही लग रहा है बड़ा सा एंगल है कोई, तो ऑब्ट्यूज जो 90 से तो बड़ा हो और 180 से छोटा हो, ठीक है। 90 से बड़ा, 180 से छोटा, जैसे कि 120 डिग्री, 130, 110, 100 डिग्री, तो ये सारे ऑब्ट्यूज। राइट एंगल यानी 90 डिग्री, जो 90 डिग्री होगा वो राइट एंगल, क्या होगा? राइट एंगल होगा, ठीक है। स्ट्रेट लाइन कितने डिग्री का होता है? एक स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री का होता है, एक स्ट्रेट लाइन हरदम 180 डिग्री का होता है। चाहे स्ट्रेट लाइन के कितने भी पार्ट्स कर लो, कितने भी पार्ट कर लो, वो रहेगा 180 डिग्री का, हरदम 180 डिग्री ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, तो रिफ्लेक्स एंगल कैसे निकालते हैं और क्या होता है? मान लो एक सर्कल, सर्कल कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का, ठीक है, सबको पता है। मान लो ये केक है, एक केक में से किसी ने इतना पोर्शन खा लिया, मान लो ये डिग्री में बोला जाए तो मान लो 50 डिग्री खा लिया, तो कितना पार्ट बचा है यहां से यहां तक, कितना बचा है, कैसे निकालोगे? तो क्या करना है, 360 में से 50 को माइनस कर दो, इतने पोर्शन को माइनस कर दो, क्योंकि ये तो चला गया, ठीक है। तो कितना आएगा? 310 डिग्री, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं इस, हम क्या निकाल रहे हैं? रिफ्लेक्स एंगल निकाल रहे हैं, रिफ्लेक्स एंगल निकाल रहे हैं। तो रिफ्लेक्स एंगल कैसे निकलता है, एक दो और एग्जांपल कर लेते हैं। ये मान लो 60 डिग्री का, तो यहां से यहां तक कितना होगा? 360 माइनस 60 कितना हो गया? 300 डिग्री, ठीक है। एक और ये मान लो
110 डिग्री का, तो यहां से अंतर कितना होगा, तो 360 माइनस 110 डिग्री यानी कि 250 डिग्री। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एंगल का ध्यान से देखा जाए तो एक फॉर्मूला ही है, मान लो ये सी ओ ई, तो हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई किसके बराबर होगा, 360 माइनस सी ओ ई, जो भी एंगल है उसी से माइनस कर दो, किससे, 360 में से। ठीक है, ये बात समझे, ये फॉर्मूला टाइप बन गया। ऐसी अगर इसकी बात करूं, ये भी मान लो ए है, ये ओ है, ये बी है, तो कैसे लिखेंगे, रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी किसके बराबर होगा, 360 डिग्री माइनस एंगल ए ओ बी, जो भी एंगल दिया हुआ है वो उसमें से 360 को माइनस करो। मान लो ये आपके लिए है, ये आप खुद करना, मान लो ये है डी ओ ई, ये आप खुद लिखना। ठीक है, इसके आगे हम बढ़ते हैं, एडजेसेंट साइड्स और एंगल क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल क्या होता है। ठीक है, एडजेसेंट एंगल क्या होगा, साथ वाले एंगल को या साथ वाले को हम एडजेसेंट बोलते हैं। जैसे कि मान लो ये कोई लाइन है, ठीक है, एडजेसेंट, एडजेसेंट हम पढ़ते हैं एडजेसेंट, तो एडजेसेंट का मतलब क्या होता है, साथ वाला। मान लो यहां पे 30 डिग्री, यहां 40 डिग्री है, यहां 50 डिग्री है, 30, 40 और मान लो यहां 60 डिग्री। ठीक है, तो 60 के साथ वाले एंगल कौन से, वो है 50, 50 के साथ वाले एंगल कौन कौन से, 40 और 60, 40 के साथ वाले एंगल कौन कौन से, 30 और 50, और 30 के साथ वाले कौन से, सिर्फ 40। जैसे मान लो यहां कोई बैठा हुआ है, या कोई भी आपका क्लास का साथ वाले लोग जो भी बैठे हैं, उस जो साथ में बैठे हुए होते हैं उनको हम एडजेसेंट बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लो एक और, ये 60 है, ये 70 है, ये 10 है, ये 20। ठीक है, तो 10 के साथ वाला 70 और 20, 70 के साथ वाला 10 और 60, 60 के साथ वाला सिर्फ 70, 20 के साथ वाला सिर्फ 10, तो इसको बोलते हैं एडजेसेंट साथ वाला। ठीक है, अब हम देखते हैं लीनियर पेयर, लीनियर पेयर कैसे निकालते हैं, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर में क्या होता है, इसका मतलब एक लीनियर का मतलब होता है लाइन, लाइन का पेयर, यानी कि मान लो एक लाइन 180 डिग्री है, उसके मैं कितने भी पार्ट कर दूं, यानी दो एंगल अलग अलग कर दूं, वो रहेगा 180 डिग्री पे, वो हरदम रहेगा 180 डिग्री पे। इसको एग्जांपल से समझते हैं तो ज्यादा अच्छा समझ आएगा। मान लो ये है 60 डिग्री, ये आपको निकालना है, तो कैसे निकालोगे, x plus 60 equals to 180 डिग्री, ये एंगल और ये एंगल मिलकर 180 डिग्री का। ठीक है, तो x कितना आ गया, 180 minus 60 डिग्री, तो x कितना आ गया, 120 डिग्री, ये कितना आ गया, 120, 60 प्लस 120 कितना रह हो जाएगा, 180। ठीक है, सेम एक एग्जांपल आप करना, ये मान लीजिए ये 50 है और ये x है, तो x निकालना है। ठीक है, तो लीनियर पेयर पे बहुत टाइप के क्वेश्चंस हैं, एक दो और देख लेते हैं। मान लो ये आपका 2x प्लस 30 है, ये मान लो 60 है, तो कैसे निकालोगे, तो क्या करना है, हमें बस एक कॉन्सेप्ट याद करना है कि ये एंगल और ये एंगल मिलकर 180 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री के बराबर होगा। तो 60 प्लस 2x प्लस 30 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, 60 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, 2x इक्वल्स टू 180 माइनस 90, क्योंकि ये प्लस के उधर लगे, माइनस 2x इक्वल्स टू 90, x इक्वल्स टू 90 अपॉन में 2 इक्वल्स टू 45 डिग्री, x कितना आ गया आपका, 45। चाहे आप x की जगह पे यहाँ पे ये पुट भी करके देख लो, x इक्वल्स टू 45 पुट करके देख लो, यहाँ पे पुट करके देख लो, यहाँ 45 पुट करके देख लो, कितना आएगा, 2 इंटू 45, 90 प्लस 30 इक्वल्स टू 120 डिग्री। ठीक है, यानी 120 प्लस 60 मिलकर कितने हो गए, 180 डिग्री। ठीक है, और
अब लास्ट कॉन्सेप्ट है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. क्या होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल? वर्टिकली अपोजिट एंगल का मतलब ये होता है कि आमने सामने वाला एंगल, ये एंगल मान लो 30 डिग्री का, तो सामने वाला एंगल भी कितने डिग्री का होगा? 30 डिग्री. मान लो ये x दे रखा है, ये y दे रखा है, ठीक है? तो x और y कैसे निकाले, कैसे फाइंड आउट करें? तो आपको कुछ नहीं करना, ध्यान से देखो, ये एक लाइन है, इसको मैंने यहां लिख दिया, और ये भी एक लाइन है, ये कितना दे रखा है 30. तो ये एंगल और ये एंगल मिलकर कितने डिग्री हो जाएगा? 180 डिग्री. x plus 30 equals to 180 degree. अभी अभी हमने सीखा था linear pair में, तो x equals to कितना हो जाएगा? 180 minus 30, यानी x equals to 150, ठीक है? तो ये कितना है? 150. अगर हमारा x 150 है, तो सामने वाला भी कितना हो जाएगा? 150 degree. इसको हम क्या कहते हैं? vertically opposite angle. वर्टिकली अपोजिट एंगल को VOA से भी डिनोट करो, ठीक है? एक ऐसा ही क्वेश्चन वो आपको करना है वर्टिकली अपोजिट एंगल का. एक्चुअल में ये जो भी कॉन्सेप्ट मैं सिखा रहा हूं ये यूज कहां होंगे? हमें क्वेश्चन करने में यूज होंगे. 6.1 के जो क्वेश्चन है वो करने में आसानी होगी अगर हमें ये सारे टर्म्स आते होंगे. 6.1 बहुत ईजीली हो जाएगी अगर ये सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से आते हैं. तो ये आप करके रखना, ये आपके लिए है. ये मान लो 55 डिग्री है, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, ठीक है? तो ये आपको करना है. लास्ट कॉन्सेप्ट ये है कि बाइसेक्टर क्या होता है. बाइसेक्टर बाई मीन्स टू और सेक मीन्स कट. बाई मीन्स टू, सेक मीन्स कट. अगर मान लो कोई भी चीज है उसको दो पार्ट में बिल्कुल बराबर पार्ट में हमें करना है तो हम उसको क्या कहते हैं? बाइसेक्टर. जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये 60 डिग्री, ये टोटल 60 डिग्री, एक लाइन आई, इसको बाइसेक्ट कर रहे. क्या कर रहे? बाइसेक्ट, यानी कि ये एंगल हो गया 30 डिग्री, ये एंगल हो गया 30 डिग्री, ठीक है? ऐसे ही फिर से बाइसेक्ट का मतलब समझो, मान लो ये 80 डिग्री है, इसको इस लाइन में बाइसेक्ट कर दिया तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 40 डिग्री. ये एंगल कितना हो जाएगा? 40 डिग्री. ये तो था हमें कॉन्सेप्ट समझ आ गया बाइसेक्ट करने का. तो इसको लिखते कैसे हैं, बाइसेक्ट को लिखते कैसे हैं? तो मान लो इसको मैं क्या हूं, एंगल ए ओ बी, ओ सी ने बाइसेक्ट कर दिया किस एंगल को? मान लो ये है 100 डिग्री, टोटल है एंगल AOB कितना दे रखा है? AOB 100 डिग्री दे रखा है, ठीक है? तो अगर आपको AOC निकालना है, AOC यानी कि ये, तो ये पूरे का क्या है? हाफ है. पूरा क्या है हमारा? AOB का क्या है? ये हाफ, आधा है, यानी कि 1/2 × 100 कितना हो जाएगा? 50. ये कितना आ जाएगा आपका? 50. ऐसी अगर आपको COB या फिर BOC निकालना है, BOC या फिर COB निकालना है, BOC निकालना है, तो वो भी क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा. किसका आधा हो जाएगा? इस पूरे का, एंगल AOB का आधा हो जाएगा, ठीक है? समझेगा बाइसेक्टर क्या होता है ये मत समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आएगी बहुत ज्यादा कि किसी को आधा करना है. कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से. अब हम करेंगे 6.